This video is brought to you by The Learn and Shakes, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, MKS Layout, Newsome Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College and by Orbis International School. सुबह घर से 7:30 बजे दोस्त के घर पर जाके तरकारी लेके बाईपास के पास से आ रहा था। आते वक्त इधर पाशा होटल कल्लू रोड के पास रोड बंद थी, उधर गलियों में से सब पूरे गाड़ियाँ जा रहे थे, तो उनके पीछे मैं भी जा रहा था। दो चार जने उनको छोड़ दिया ये सही, फिर बाद में मेरे को चल जा वापस बोल को मैं बोला सर यहीं से मेरा घर बोलकर बोला मेरा होटल के पास है छोड़ो सर बोले तो जा रहे ने वापस बोल को डराते हैं। वापस पलटा गाड़ी पलटा को खाली पीछे पलट को देखते ही क्या देख रहे घूर पूरे इंडिया को से लगा तुम्हारी को लट निकाल को मार दिया मुँह को सीधा मारते ही गाड़ी वहीं छोड़ के पड़ गया नीचे इतना खून गया बेसाब मेरे को खुद खुश नहीं था कि कैसा होगा बोल के। बाद में आके जाने बाद में इतना खून जा रहा था भी उठ कुछ भी नहीं हुआ उठ कुछ भी नहीं हुआ पानी पी उठ अरे तेरा भैंस ये करा। फिर बाद में जब ज़्यादा खून जा रहा था जब मेरे पास रुमाल था मेरा महरूमा उससे पूरा महरूमा कर गया पब्लिक जमा हो गई। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस भी नहीं। फिर बाद में एक आटो बुला के मेरे को हॉस्पिटल डाले गए। फिर वहाँ पर जाके 3 टाँगे पड़े जिससे ने मेरे को और नाक में मार दिया डंडे से तो बहुत तकलीफ है अंदर हड्डी टूटी है। अभी स्कैनिंग करेंगे क्या है रिपोर्ट आने के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। अपना जरा से गुजारिश है कि दुआ की गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह तला जैसे जैसे हाफिज नसीरुद्दीन जो हमदाबाद APMC यार्ड मस्जिद के मौजिन थे उनको वहाँ के एक ASI जिनका नाम बसवराज बताया जा रहा है बहुत ही बेदर्दी से उन्हें लाठी से पीटा जिसकी वजह से उनकी नाक की हड्डी टूट गई है और 3-4 टाँके भी पड़े हैं। अभी मैं उनको यहाँ देखने के लिए अस्पताल आया था और उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, हालांकि मेरे हाथ में तरकारी की थैली थी और मुसलसिल ये शख्स 3-4 दिन से सभी लोगों को मार रहा था और ये कह रहा था कि आप लोगों की वजह से ही ऐसे हालात हिंदुस्तान में आए हैं। तो मैं बीदर SP साहब और यहाँ के जो IG हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस ASI को सस्पेंड करें ताकि इन फ्यूचर ऐसे हालात ना होने पाएँ हमनाबाद में, क्योंकि पूरा देश आज एकता के साथ एकजहती के साथ कोरोना वायरस को लेकर लड़ रहा है। ऐसे में चंद एक आध पुलिस वाले अगर इस नमूने की अगर हरकत करते हैं, हम ये नहीं करते हैं हमको मारना चाहिए डराना चाहिए, लेकिन इस तरीके से बुरी तरीके से मार करके हड्डी तोड़ना या सर पर मारना खून निकलने तक मारना ये बहुत ही गलत बात है। डराने के लिए मारने के लिए घरों में जाने के लिए पुलिस जो काम कर रही है हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे जो जो ASI जो हैं बसवराज टाइप के जो लोग हैं उनको इमिडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और इनके ऊपर एक इंक्वायरी कायम होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सर्जन रुद्रवाड़ी साहब से डॉक्टर साहब से बात की और उनसे अपील की कि आप इमिडिएटली उस जो मौजन साहब जो एडमिट हैं उनको एक डॉक्टर उनको अपॉइंट कीजिए, वहाँ पर उनकी देखभाल कीजिए और वहाँ पर बराबर उनको जो दवाएं देनी है वो दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफ़ी हैं आप उनसे भी बात कीजिए, मैं भी उनको बात करता हूँ। तो डॉक्टर शफ़ी साहब भी उनसे भी मेरी बात हो रही है, मैं उनसे भी गुजारिश किया हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ मौजन साहब जो एडमिट हैं और उनके बुरी तरह से अभी तक उनके शर्ट पर जो खून है वो तक तब्दील नहीं किया गया बदला नहीं गया, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट सर्जन और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं दोनों ने तयखुन दिया है कि हम उसकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। आखिर में मैं फिर एक बार IG और बीदर SP साहब से मैं अपील करता हूं गुजारिश करता हूं कि इमिडिएटली उस बसवराज ASI को जल्द से जल्द सस्पेंड कर उस पर इंक्वायरी कायम करें। हमनाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ जो कि हाफिज नसीरुद्दीन वो खतीब व इमाम हैं APMC के मस्जिद के, वो घर से निकले थे तरकारी लाने के लिए मगर उनको रास्ते में रोक कर बसवराज ASI जो कि उनको रोक कर उनकी नाक पे मारा,
उनकी नाक की हड्डी टूटी है, उनको 4 टाँके पड़े हैं। मैं बिदर और गुलबर्गा के एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस महकमे के जो बड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको सस्पेंड करें और पुलिस महकमे की दाग जो है वो बाकी रखें, वरना न तो पुलिस का डर चले जाएगा, लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए मैं उनको फिर एक मरतबा मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको सस्पेंड करें।